तो गाइस आप लोग बार बार पूछते रहते थे कि आप यूट्यूब से कितने पैसे कमाते हो। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि मैं यूट्यूब से कितना पैसा कमाता हूँ। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ बैंक में, यहाँ से घर से निकल रहा हूँ। तो मम्मी मैं जा रहा हूँ बैंक में ना, और इनको बताना भी कि मुझे यूट्यूब से कितना पैसा मिलता है। तो गाइस अभी मैं बैंक का जा रहा हूँ और पूरी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा कि मुझे यूट्यूब से कितना पैसा मिलता है। तो आप लोग ब्लॉग पर कंटिन्यू रखना, एंड तक जरूर देखना, तभी आप लोगों को पता चलेगा, है ना। तो अभी मैं जाता हूँ यहाँ से, मुझे खरगोन जाना है अभी। तो अभी मैं घर पर ही हूँ, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ भगवानपुरा में, वही हूँ अभी। अब निकल रहा हूँ, मैंने नहा लिया, बस जस्ट यहाँ से निकलना ही है। सो गाइस सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और गाइस आज का ये व्लॉग मैं घर पर शूट नहीं कर रहा हूँ, मैं आज मामा जी के यहाँ आया हूँ। बैंक के काम से आया था मैं, और वो किस लिए आया था उसका व्लॉग आएगा। आप लोग बोलते रहते थे ना कि आप लोग आप यूट्यूब से कितना पैसा कमाते हो, तो इसी सिलसिले में मैं बैंक आया था। तो बैंक का काम थोड़ा अधूरा रह गया, तो मैं वही मामा जी के यहाँ रुक गया हूँ। तो अभी ये व्लॉग संक्रांति का यहीं शूट करने वाला हूँ। तो आप लोगों को हम ये बताएंगे कि हम मतलब गांव में मेरे को ये संक्रांति बोलते नहीं आता है, बार बार दिक्कत आ रही थी, जतपत करके मैंने सीखा संक्रांति बोलना। तो इसके बारे में मतलब गांव में हम लोग संक्रांति कैसे मनाते हैं, सब कुछ इस व्लॉग में आपको बताऊंगा। और आज व्लॉग मतलब अलग ही शूट होगा, तो मजा आएगा। तो व्लॉग पर कंटिन्यू रखना, पूरा देखना। तो अभी तो फिलहाल जस्ट थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ मैं, क्योंकि घर पर जल्दी उठना पड़ता था काम करने के लिए, लेकिन यहाँ तो मैं सोते ही रहा। अभी जस्ट उठा और मैं ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ, फिर बाद में भी देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप लोग व्लॉग पर कंटिन्यू रहना। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया था कि मैं खरगोन जा रहा हूँ, और आप लोगों को आज ये भी बताने वाला था कि मुझे यूट्यूब से कितना पैसा मिलता है। तो मैं खरगोन गया था, बैंक का भी हो आया, लेकिन रास्ते में गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, वो ना मैं जल्दी जल्दी में पेट्रोल डलवाना ही भूल गया था खरगोन में, तो ये दिक्कत आ गई है। अभी बीच रास्ते में फंसा हुआ हूँ, आप ये देख सकते हो। अभी 1 या 2 किलोमीटर दूर मुझे ये गाड़ी ऐसे धक्का कर ले जाना पड़ेगा, और अभी अकेला ही हूँ। तभी मैं फटाफट गाड़ी धक्का के ले जाता हूँ, फिर पेट्रोल डलवाना है मुझे, कहीं देखता हूँ कोई गांव दिख जाए, और फिर घर जाके आपको बताता हूँ कि मुझे यूट्यूब से कितना पैसा मिलता है। मेरा जो भी बैंक का काम था ना, वो पूरा कर लिया है मैंने। और देखो मैं दिखा देता हूँ, ये है पासबुक, सब कुछ क्लियर हो गया है। तो अभी सब कुछ घर जाके बताऊंगा कि मुझे यूट्यूब से कितना पैसा मिलता है। तभी पहले तो मुझे पेट्रोल डलवाने जाना पड़ेगा गाड़ी में, अभी तो धक्का के ले जाऊंगा। फाइनली गाइस मैं बाइक धक्का धक्का के पेट्रोल पंप के पास आ गया हूँ। तो अभी फटाफट पेट्रोल डलवा लेता हूँ, फिर घर के लिए निकलना है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, और घर जाकर काम भी करना पड़ेगा। छोटे वाले ने गारा वारा तैयार कर लिया होगा, और रोटावेटर भी लग गया होगा, लेकिन गारा इकट्ठा भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे अभी जल्दी जाना पड़ेगा, वरना वो अकेला पड़ जाएगा तो थोड़ी दिक्कत आएगी। तो फटाफट अब मैं पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा लेता हूँ। और भूल गया था, मतलब दिमाग में भी नहीं आया कि मैंने पेट्रोल नहीं डलवा रखा है, इस वजह से मुझे आज बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। कब से घर पहुँच जाता, बट गाड़ी धक्का धक्का क्या, अभी देख सकते हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई, इधर गाड़ी वाड़ी चल रही। तभी मैं पेट्रोल डलवाता हूँ और अब डायरेक्ट घर निकलता हूँ, फिर बाकी का वहीं जाके बताते हैं कि मुझे यूट्यूब से कितना क्या पैसा मिलता है, सब कुछ बताऊँगा, है ना। व्लॉग पर कंटिन्यू रहना, पूरा देखना। तो गाइस घर तो मैं बहुत देर पहले ही आ गया था, तो जैसे आया घर वैसे काम बचा हुआ था, तो काम करने चले गया था। ये देख सकते हो मैंने काम के कपड़े भी पहन लिए, बट शर्ट नहीं निकाल पाया, क्योंकि आके ना डायरेक्ट करना ही था काम, वरना वो काम काफी ज्यादा और बढ़ जाता। तो आप लोग बार बार पूछते रहते थे कि मैं यूट्यूब से कितना पैसा कमाता हूँ। तो अभी मैं बता देता हूँ कि मैं यूट्यूब से कोई पैसा नहीं कमाता हूँ। मम्मी इधर बैठो, वो मैं पासबुक उठो। अब जैसे मैं अभी खरगोन गया था ना, तो खरगोन में गया था 13 तारीख को, और आज है 14 तारीख, और आज है मकर संक्रांति। तो आप सभी को हमारी तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं गया था खरगोन खाता खुलवाने के लिए, ये पासबुक जो कि मैं खाता खुलवा आया हूँ। लेकिन मम्मी ने मुझे खाता खुलवाने के लिए कितने पैसे दिए थे? 700 रुपया। 700 रुपये खाता खुलवाने के लिए दिए थे, जिसमें पेट्रोल वेट्रोल डलवाना ये करके। तो मुझे ऐसा लग रहा था, मम्मी को हमको लग रहा था कि 500 रुपये में खाता खुल जाएगा, बट ऐसा नहीं। जिस बैंक में मैं खाता खुलवाने के लिए गया, वहां पे मना कर दिया, बोले कि यहाँ पे खाता नहीं खुलेगा, आपके पास आपके गांव के पास जो भी बैंक है ना, वहां पे आपको खाता खुलवाना पड़ेगा। तो फिर मैं मेरे कजन को ले गया था, मेरे मामा के लड़के को, तो फिर मैं कल वहीं रात रुका, फिर सुबह से मामा के लड़के को फिर ले गया बैंक में। तो फिर हम गए बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो वहां हम लोगों ने पूछा बैंक खाता खुलवाने के लिए, तो उन्होंने बताया खाता तो खुल जाएगा लेकिन 2000 रुपये लगेंगे। अब मेरे पास थे 500 रुपये और खाता खुलवाने के लिए लग रहे थे 2000 रुपये। फिर हम लोग घर आए,
मामी ने पैसे दिए खाता खुलवाने के लिए, 2,000 रुपये दिए। और क्योंकि मैं मामा के यहीं रुका था, मैंने बताया, और मैंने वहाँ एक क्लिप भी लिया हुआ है। मैं संक्रांति का वीडियो वहाँ पे शूट करने वाला था, बट वो वीडियो शूट करने का भी टाइम नहीं मिला, इतना ज़्यादा इधर उधर दौड़ते रहे। तो मामी ने मुझे पैसे दिए जिसकी बदौलत मैं ये खाता खुलवा पाया। तो मामी ने मम्मी 2,000 रुपये दिए, उनको देना पड़ेगा। दे आगा नहीं बेटा तो तो मामी मतलब मेरे मामा मतलब इतने पैसे वाले भी नहीं है कि वो भी हमारी तरह ही मजदूरी करते, और मेरे मामा नहीं है। पप्पा भैया के बाद मामा की भी डेट हो गई थी, तो मामी मामी ने मुझे ये खाता खुलवाने के लिए पैसे दिए, जिसकी वजह से मैंने ये खाता भी खुलवा लिया। और प्लस बिट्टू के लिए पैसे अलग से दिए थे कि मैं बिट्टू के लिए कुछ खाने के लिए ले जाऊं, तो बहुत सारा मैं खाने के लिए लाया हूँ। ये देख सकते हो बहुत सारी चीजें। और बिट्टू अभी कहाँ है पता है? जलेबी बिट्टू सोया हुआ है बुआ के साथ। बिट्टू चल आ जा बेटा, जल्दी आ, दौड़ 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 दौड़, जल्दी आ बिट्टू, जल्दी आ, आ जा आ जा आ जा, जल्द दौड़। अब बिट्टू आ रहा दौड़ के, आ जा बेटा, आ जा आ जा, दादी का दादी बोल। तो ये आ गया है बिट्टू। तो दादी को बोल, दादी काको, दादी दादी वो नहीं, दादी के दादी देख खाना कितने का लाए हो। तो ये देख सकते हो गाइस, बहुत सारा खाने के लिए लाए, क्योंकि मामी नहीं देते पैसे बिट्टू के लिए खाने के लिए लाने के लिए। तो बहुत सारा खाने के लिए भी ले आए। और मुझे ना काम काम करके अभी जैसे आया ना, काम करने लगा, और खाना भी मैंने नहीं खाया था, क्योंकि संक्रांति के दिन मम्मी क्या बनता है, खिचड़ी वगैरह चावल वगैरह मामी के यहाँ भी घर पे वही बना था। तो मैं दौड़ भागी करते रहा, जिसमें मैं खाना भी नहीं खा पाया। तो अभी मुझे काफी भूख भी लग गई है, तो अब मैं खाना वाना भी खा लेता हूँ। और भाई चुप रहो, नहीं चुप, जरा चुप। तो आप इस ब्लॉग को वैसे मैं आपको बता दिया कि मुझे अभी यूट्यूब से कुछ भी पैसा नहीं मिलता है ना, क्योंकि यूट्यूब से पैसा, सुन बिट्टू चुप, बिट्टू चुप, यूट्यूब से पैसा तब मिलता है जब हमारा जो गूगल अकाउंट रहता है ना, गूगल एडसन रहता है ना, उसपे $100 से भी ज्यादा जब $100 से भी ज्यादा जब आ जाते हैं ना, उसके बाद हम बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो अभी मेरे गूगल एडसन में $100 भी नहीं आए हुए, लेकिन मैंने खाता खुलवा लिया। सब जब $100 वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद मैं अपना ये बैंक खाता उससे ऐड करूंगा, उसके बाद मेरा यूट्यूब से पेमेंट आएगा। तो अभी मैं यूट्यूब से कुछ भी पैसे नहीं कमाता हूँ, है ना। तो गाइस आप ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर देता हूँ, आपको जो इन्फॉर्मेशन देना था वो मैंने दे दिए। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और मिलते हैं कलोरक नई वीडियो के साथ।